आप सबके भीतर बैठे हुए भगवान को, ईश्वर को, माता रानी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, जीवन में साधना का बहुत ही महत्व है। मंत्र जाप की साधना सबसे पॉजिटिव है, सबसे पावरफुल है। हमारे शास्त्रों ने शब्द को ब्रह्मा कहा है। वो कहीं कहीं परंपराओं में गुरु महापुरुष दीक्षा देते हैं, कहते हैं शब्द की दीक्षा ली, शब्द की दीक्षा दी। बाइबल में वर्ड इज गॉड, शब्द ही भगवान है, ऐसा कहा गया है। जो लोग निराकार भगवान को मानते हैं, है तो वो निराकारी और साकार भी है वो, पर जो लोग निराकार भगवान को मानते हैं वो भी शब्द की शक्ति को, मंत्र की शक्ति को मानते हैं वो भी। अर्थात शब्द की शक्ति के बारे में, मंत्र जाप की शक्ति के बारे में कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। और किसी भी धर्म में, सभी धर्मों ने शब्द जाप को, मंत्र जाप को बहुमूल्य स्थान दिया है। जैसे हम मंत्र का जाप करते हैं, उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उस वाइब्रेशन से कहीं भी, जो एक साइंस का भी नियम है कि वाइब्रेशन से ही एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी ही जो है हमारी वो मटेरियल को पैदा करती है, ये साइंस भी कहती है। और शब्द की वाइब्रेशन से जैसे हम शब्द बोलते हैं वैसी ही एनर्जी पैदा होती है। आप किसी को प्रेम प्यार से बात करके देखिए कैसी एनर्जी पैदा हुई, फिर गुस्से से बोल के देखिए, क्रोध से बोल के देखिए कैसी एनर्जी होगी। आपने किसी के साथ गुस्से में बोला, उसमें और एनर्जी गुस्से वाली पैदा होगी, आप में और होगी, आप में और होगी, और लास्ट में क्या हुआ, फिर आप दोनों बैठोगे, बात करोगे, बोले सॉरी गलती होगी, कल मेरे से गुस्सा बहुत था। अगर वही एनर्जी शब्दों से पैदा होगी, प्यार वाले शब्दों से पैदा होगी, उसकी बात ही कोई दूसरी होगी। अगर वो अगर वो एनर्जी आपके गुरु मंत्र से पैदा होगी, उस एनर्जी का तो कहना ही क्या। जितने भी मंत्र हैं दोस्तों, ये ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, पीरों के द्वारा, फकीरों के द्वारा, सिद्ध महापुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने अपने अंतर में शब्द की शक्ति की खोज की, ध्यान करते करते, और हमारे स्पुर्द कर दिया, हमें प्रसाद के रूप में दे दिया। लोग गलत ना कर पाए, गुरु का नियम दे दिया कि गुरु से दीक्षा लेके जाप करो, क्योंकि आपके लिए कौन सा जाप जरूरी है। आप इस एनर्जी को पहचानना, और मेरे आदरणीय गुरुदेव जी का मैसेज, बीमार हो तो बीमारी की बात नहीं करना, तंदुरुस्ती की बात करना, तंदुरुस्ती के बारे सोचना। कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो दूसरे को हराने की बात नहीं करना, सुख समृद्धि की बात करना, जीतने की बात करना। गरीबी है अमीरी की बात करना, उसको लाना अपने जीवन में। जैसे ही आपकी एनर्जी कॉस्मिक माइंड तक पहुंच जाती है, कॉस्मिक माइंड, कलेक्टिव माइंड क्लोज क्लोज हैं, तो जैसे वो आपकी एनर्जी
कलेक्टर माइंड में पहुंचती है, आपका कॉस्मिक माइंड पावरफुल है, उसी टाइम जो आप चाहते हो जाता है, जो आपका संकल्प है वो पूरा हो जाता है। आप पूछते हो ध्यान से होता क्या है स्वामी जी, ध्यान से आपके संकल्प की पूर्ति होती है, ध्यान से आपको वाक सिद्धि मिलती है, अर्थात जो आप बोलते हैं वो पूरा होने लगता है, जो चाहते हैं वो होने लगता है। इसलिए चाहत बहुत ही अच्छी रखना, सच्ची रखना, दूसरों का भला करने वाली रखना, और सबसे पहले मंत्र जाप करो। आप मंत्र जाप से सीधा ध्यान में जाने की कोशिश करोगे तो प्राइमरी में नहीं जा पाओगे, और जैसे ही ध्यान में जाने की आपकी स्थिति हो गई फिर मंत्र जाप नहीं कर पाओगे, दो मिनट में ध्यान लग जाएगा। पर बेस आपको यहीं से शुरू करना होगा, और कभी कभी मंत्र जाप से बात नहीं बनती तो पाठ भी करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, लिंगाष्टमी स्तोत्र का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, नहीं तो ऑडियो में इन पाठों को सुनना। पाठ जितना एक एक शब्द को किया जाए, आप हमारे आदरणीय पंडित जी से सुनते हो, वो एक एक शब्द को जैसे मोती की माला पुरो देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, समझ आता है। पाठ ऐसा ही है, जाप ऐसा है कि जो हृदय से किया जाए, आपके लिप्स भी बंद करें रहे और अंदर से होता रहे, ऐसा जाप करना। पाठ से अंदर का वातावरण भी अच्छा होता है, बाहरी वातावरण भी अच्छा होता है, और जाप से अंदर बाहर दोनों अच्छे होते हैं, अंदर का ज्यादा होता है। जैसे भजन चलते हो तो भजन भी पाठ के बराबर है, भजन से भी आपकी उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, सत्संग से भी भगवान की उन्नति होती है। जो हमारे जहाँ जागरण की प्रथा है, भजन संध्या की प्रथा है, संकीर्तन की प्रथा है, उसका अपना बहुत महत्व है। कभी कभी सभी लोग मिलके संकीर्तन करें, कभी मिलके जय माता दी करें, उसका अपना महत्व है, उसमें अपनी शक्ति है। पर अच्छी सोच को सोचें, अच्छे विचारों को सोचें, तो आपके विचार जरूर प्रैक्टिकल रूप लेंगे। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इस बात को याद रखना, और जो भी करना मन वचन कर्म भाव से, ये शक्ति क्रिया के नियम हैं, इनको ध्यान रखना है आपने। और अभी विरेचन क्रिया करेंगे, अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। क्लीम कालिकाए नमः, 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 क्लीम
ग्लिम काल कार नमः 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 मन में मंत्र का जाप करें, आपके लिप्स नहाएं। इस प्रैक्टिस को 10 मिनट तक आपको रोज करना है। मन से ध्यान करते हुए अपने आज्ञा चक्र से रेजेस देते हुए अपने 7 चक्र को क्लीन करने की कोशिश करें। फर्स्ट चक्र आप अपने 7 चक्र जैसे क्लीन कर देते हो तो पूरे बॉडी के चक्र क्लीन हो जाते हैं, पर जब स्पेशली हीलिंग देनी होती है तो जिस पार्ट में ज़्यादा कष्ट है वहाँ हीलिंग दें, और वो पार्ट बॉडी का किस चक्र के साथ रिलेटेड है इस बात का ध्यान रखें। सेकंड चक्र को क्लीन करें। थर्ड चक्र को क्लीन करें। फोर्थ चक्र को क्लीन करें। फिफ्थ चक्र को क्लीन करें और सिक्स्थ चक्र को क्लीन करें। आज्ञा चक्र से ही आज्ञा चक्र को रेजेज दें। सातवां चक्र अपने आप क्लीन हो जाता है जब 6 चक्र क्लीन होते हैं। वो सातवां चक्र सहस्त्र दल चक्र भक्ति की प्रकाष्ठा है, वो लास्ट स्थिति है, और कॉस्मिक माइंड के साथ आपका एकाकार होना, ईश्वर के साथ एकाकार होना है। आपकी जो एक स्टेट है भक्ति की, बहुत आगे निकलना है। इतना मुश्किल नहीं है करने के, अगर आप करते हैं। अभी आपके चक्र क्लीन होंगे, थोड़ा सा हस्तकल हरिम का जाप करेंगे। दो तीन मिनट के लिए, उसके बाद फिर श्वास क्रिया के ऊपर, सांस के ऊपर ध्यान करेंगे।
अपनी सांस की ओर ध्यान दें, मन में कोई मंत्रचार नहीं, सिर्फ सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। आप साक्षी हैं, आपकी बॉडी सांस ले रही है, ऐसा अनुभव करें। जितना साक्षी भाव आपका स्ट्रांग होगा, उतना ध्यान की प्रक्रिया में गहरे चले जाओगे। सांस को महसूस करते रहें साक्षी भाव से। विज्ञान भैरव तंत्र ने सांस की प्रक्रिया को, ध्यान की प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से कहा है। अगर हम ध्यान की प्रक्रिया में निपुण हो जाते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। जैसे सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो,
एक बिंदु आता है जहां पे ना छोड़ रहे हो ना ले रहे हो, वो बिंदु वो पॉइंट बहुत काम का है, वो एक क्षण का भी हिस्सा हो सकता है। धीरे धीरे उस क्षण को पकड़ना है, सांस के उस भाव को पकड़ना है। अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं, गुरु महाराज जी के चरणों में चले जाएं, जिस भी शक्ति का ध्यान कर रहे हो उस शक्ति के चरणों में चले जाएं। कोई मंत्र जाप नहीं, अपने माँ के चरणों में पहुंच गए हो, अपने इष्ट के चरणों में पहुंच गए हो। माँ को प्यार करें, माँ के चरणों में सिर रख दें, माँ को हग करें, माँ के ऊपर फूलों की वर्षा करें, माँ को फूलों से भर दें, फूलों से सजा दें। मन ही मन में संसार के जितने भी सुंदर से सुंदर फूल हैं माँ को अर्पण कर दें, माँ को सुंदर से सुंदर अलंकार पहनाएं, अच्छे से अच्छा भोजन कराएं माँ को। माँ से अपनी कथा अपनी व्यथा कहें, माँ से जो चाहिए मिल गया आपको, माँ ने कृपा कर दी, आपका संकल्प पूरा हो गया। उसकी कल्पना करें, विजुलाइज करें, पिक्चराइज करें। गुरु महाराज का थैंक्स करें, शुक्रिया करें, माता जी का शुक्रिया करें। हे माँ, तेरी बड़ी कृपा है माँ, तू बहुत दयालु कृपालु है माँ, मुझ पे कृपा की माँ आपने। ऐसे शुक्रिया करते करते मयूर पंख मुद्रा करें,
धीरे धीरे व्यूपंख मुद्रा को कैंसिल करेंगे, हाथों को देखें, ऐसे टच करें, अंजलि मुद्रा करेंगे। गुरु महाराज माता रानी बहुत बहुत कृपा करें आप पे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत कृपा करें, सुखी रहें, अच्छे रहें। और एक प्रार्थना करनी थी आपसे। बहुत साल पहले इस ध्यान की यात्रा को शुरू किया था, इस स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू किया था। इसमें मेरी बहुत ही अच्छी टीम, मेरे प्यारे साथी बच्चे जिन्होंने साथ दिया, बड़े प्यार से शुरू किया। मेरी बेटी अनन्या ने शुरू किया था, उसके साथ इसकी शुरुआत हुई। अनु कपूर जी ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली, आज तक भी संभालते रहे। अनन्या जी की कुछ मजबूरियां हो गई, तो दूसरे लोग आए। मरीना जी ने बहुत देर तक साथ दिया। मिन्नी जी, रॉबिन जी, सभी लोग साथ देते रहे। विशेषकर चंद्रेश भारद्वाज की इच्छा थी कि इसको सिखाया जाए, चलाया जाए। शुरू से जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक बैठा रहता है। इसके पश्चात मेरी बहुत प्यारी बेटी, मेरी अच्छी दोस्त श्वेता कपूर, इसने मेरा बहुत साथ दिया, कभी भी लेट नहीं हुई, बड़े शौक से, बड़े प्यार से। आदरणीय मेरे बेटे श्री रघुनाथ पंडित जी, जिनसे आप भजन सुनते हैं, माँ सरस्वती की कृपा है। हिमादि शर्मा जी और भी बहुत से लोग, क्योंकि जब भी कोई आप काम करते हो तो बैक पे बहुत से लोगों की प्रेरणा होती है, बहुत से लोगों का साथ होता है। वो सबसे बड़ी प्रेरणा आप जो इस ध्यान में शामिल होते रहे, मुझे ब्लेसिंग देते रहे। आपके क्वेश्चन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो बचपन में सीखा था, कितनी चीज़ें वो रिपीट हुई। पर जब आपको लाभ हुआ, आप अच्छे हीलर बने, आपकी समस्याओं का समाधान हुआ, तो शायद जितनी खुशी मुझे हुई उतनी आपको भी नहीं हुई होगी। अभी थोड़ा सा विराम देंगे इस श्रृंखला को। आप घर में प्रैक्टिस करें, जो आपको कहा है उसको करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन मुझे भेजें, मैं सबको जवाब दूंगा। और इसके पश्चात हम जो इसके नेक्स्ट ग्रेड की है, नेक्स्ट ग्रेड की मेडिटेशन है, उसके लिए अलग अलग ग्रुप बना के शुरू करेंगे। तब तक हम उसकी तैयारी करेंगे। और आपके आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार बहुत अच्छी तरह मिला, तो मेरे लिए अमूल्य है। वो बहुत कृपा है आपकी, बहुत प्यार है आपका, तो उस प्यार के लिए आपका शुक्रिया शब्द तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, उसको छोटा नहीं करूँगा। बस ऐसे ही आप ब्लेसिंग देते रहना, आपका मेरा साथ बना रहे इसी तरह से। और जाते जाते फिर पंडित जी से थोड़ा भजन सुन ले, फिर जाते रहेंगे। मेरा जीवन तेरी शरण।
सबसे मैं मिस करूंगा छोटे बच्चों को, जो भी बड़े भी हो गए पर जिन्होंने ध्यान में मेरा बहुत साथ दिया, तो मैंने उन बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा। इन बच्चों के परिवारों पे, सब पे माँ बहुत बहुत कृपा करे। और इसी दौरान मेरे से, मेरी टीम से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें। हेल्थ का ध्यान रखना भी एक भक्ति है, उस परमात्मा का दिया हुआ जो शरीर है उसके शरीर का ध्यान रखना भी उसकी भक्ति है। भगवान माता रानी आपको सुखी रखें, हेल्दी रखें, अच्छे रखें, फिर हाजिर होते हैं, फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय माता जी।